वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ वेजिटेबल पुलाव। यस, अभी चल रहा है मौसम ठंडी का और गर्मा गर्म वेजिटेबल पुलाव अगर मिल जाए जिसमें हरे मटर, गाजर, बीन्स जो भी आपके घर में पड़े हों आप उससे बनाइए टेस्टी सा पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप राइस और उसे अच्छी तरह से मैं 2 से 3 टाइम जो है अपने नॉर्मल पानी से वॉश कर उसे 20 से 30 मिनट जो है सूख होने के लिए रख दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया एक पैन, उसमें मैंने कम से कम 3 से 4 जो टेबल स्पून अपना ऑयल डालकर उसमें अपने हरे मटर जो है मैं वो डाल दूँगी और उसे कम से कम 3 से 5 मिनट जो है अच्छी तरह से सौते कर लूँगी। पानी होता है मटर में इसलिए उसे थोड़ा सा चटकने में टाइम लगता है, इसलिए इसे कवर कर दीजिए और अच्छे से तो आप इसको भून लीजिए। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारे मटर जो हैं वो पक चुके हैं तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए अच्छे दिख रहे हैं ये। इसी कढ़ाई पे मैंने जो है अपने पोटैटो जो है वो इस तरह से काट के ले लिए हैं और इसे भी हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करके गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। पोटैटो भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है यहाँ पर। अब हम इन पोटैटो को बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो कच्चे पोटैटो और मटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट टेस्ट लाना चाहती थी इसलिए मैंने इनको पहले से फ्राई करके रेडी कर लिया। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और उसमें डाल दिया है मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। अभी मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे थोड़ा सा मटर और पोटैटो में है। यहाँ मैंने डाल दिया थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, 1 बे लीफ और कुछ मेरे पास पड़ी हुई थी बीन्स जो मुझे फ्री में मिल गई थी जब मैंने मटर ख़रीदा था। तो आपको भी शायद मटर के बीच बीच में कभी कभी ऐसे बीन्स के 2-3 पीसेज आ जाते होंगे तो इसलिए मैंने उन्हीं बीन्स का यहाँ यूज़ कर लिया है। आप लेकिन फुल ऑफ वेजीज 1 कप ले सकते हैं जैसे गाजर, गोभी, जो भी चीज़ें आपके पास, और अच्छी तरह से इसको 2 से 3 मिनट जो है सौते कर लीजिए। तो ये ऑलमोस्ट मेरे बीन्स जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूँगी अपने फ्राइड किए हुए पोटैटो और ग्रीन पी और देन उसके बाद उसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करके उसे भी मैं चला लूँगी और मिक्स कर लूँगी अपनी वेजेस के साथ। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूँगी अपना टेस्ट अनुसार सॉल्ट और देन उसके बाद मिक्स करके उसमें डालूँगी मैं अपने जो सोक्ड हुआ चावल है अपना राइस है वो, और देन उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी अपना कम से कम 1 से 1.5 गिलास जो है पानी एंड कोरिएंडर लीव्स और देन मैं उसके बाद उसे ले लूँगी कम से कम 2 से 3 विसल्स। सो यहाँ हमारा रेडी है वेजिटेबल पुलाव। आप इसे खाइए ग्रीन सैलेड के साथ, पिकल के साथ और रायते के साथ। मेरे पास तो फ़िलहाल सैलेड ही था तो मैं इसी के साथ इन्जॉय करती हूँ। और गाइस अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करो, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मेरी रेसिपी में कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो भी ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं कर सकूँ। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रेसिपी पर। बाय बाय, थैंक्स।